देखिए, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से देश को संसार करने वाला है। इससे सारा देश दुख रहा है। स्वयं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, स्वयं आपकी टीवी के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त किया, ये बहुत ही दुख दिलाने वाली है। और दोषी किसी पर बक्से नहीं थे, लेकिन दुख इस बात की है कि जो विपक्षी पार्टी है, वो विपक्षी पार्टी अब हमारी माँ बहनों के साथ घटना जो घटित हो रही है, उस पर एकजुट होकर कैसे ये जो समाज विरोधी, अलगाव विरोधी, जो महिलाएं को हमारी संस्कृति में सम्मान से देखना चाहिए, उसके साथ जो विभत्स व्यवहार हो, एकजुट होकर वैसी शक्ति के खिलाफ लड़ने की जो कि राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी अपने राज्य के जो गैर बीजेपी शासित राज्य कोई देखे, अगर झारखंड को ही देखे, तो जो माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं काला अध्याय है, तो जब से आप मुख्यमंत्री बने तब से हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां, दर्जनों नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, घर में सोई भी बच्ची को उठाकर बलात्कार और हत्या, ये क्या झारखंड को शर्मसार करने वाला नहीं है? देश को शर्मसार करने वाला नहीं है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अपने अंदर झाके आपके राज्य में आज कानून का नाम नहीं, अपराधी नीडर है, जनता डरी हुई है, माँ बहनें अब घर में भी सुरक्षित हैं, तो अपने घर में झाको। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।